गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे और स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 12 जून के करंट अफेयर वीडियो को। तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले कर दें लाइक शेयर, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम द्वारा या हमारे व्हाट्सएप पे, तो इसकी लिंक आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट ज्वाइन कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज के 1049 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन एक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कितनी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये 105 घंटे में जो है 75 किलोमीटर की ये सड़क बनाई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। नितिन गडकरी है हमारे सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमेंस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा जो है क्रियान्वित किया गया। इसमें कितने श्रमिक लगे थे? 720 श्रमिक लगे थे और एक टीम थी सलाहकारों की, स्वतंत्र सलाहकारों की, और इसके द्वारा जो है इसको मनाया गया है। रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन बैंक पर 27 लाख रुपए से भी ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया है, तो है पंजाब एंड सिंध बैंक पे। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 ने धारणों की मंजूरी दी है, तो 3 महाराष्ट्र ने। फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो है 7.8%। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं? तो वह रामकृष्ण मुकाविली। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह कृष्णा श्रीनिवासन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। पुष्कर कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, तो किसको किया है? तो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। सही आंसर क्या होगा? सी, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने पुष्कर कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। वे HPCL के निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जोशी 1 अगस्त 2012 से निगम के निदेशक मानव संसाधन थे। क्वेश्चन नंबर मोहिते 8000 मीटर से भी ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है, वह महाराष्ट्र की। किस राज्य की है? महाराष्ट्र राज्य की है प्रियंका मोहिते, जो कि 8000 चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद प्रियंका ने यह मुकाम हासिल किया है। 30 वर्षीय हैं प्रियंका, जिन्होंने 5 मई को शाम करीब 4:45 के तकरीबन पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर जो है चढ़ाई की। कब की थी? 5 मई को। क्वेश्चन नंबर 4, जापान में किस कंपनी के पूर्व CEO नोबुयुकी इदेई का हाल ही में निधन हो गया? तो है सोनी कंपनी के थे CEO। सोनी जो कंपनी है, फेमस कंपनी है, सोनी के फ़ोन और सोनी के जो है टेलीविजन आते हैं, उनके रेफ्रिजरेटर आते हैं, डिजिटल व्यवसाय में वह काफ़ी आगे हैं। जापान की सोनी कंपनी के पूर्व CEO थे नोबुयुकी इदेई, जिनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने डिजिटल और मनोरंजन व्यवसाय में अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाया था और वे 84 वर्ष के थे। 1998 से CEO के रूप में अपने 7 वर्षों के दौरान श्री इदेई ने एक वैश्विक कंपनी के रूप में सोनी को विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था 1998 के युग में, और 7 साल रहे थे वो। इप्साई ने हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? तो वह चौथा, कौन सा? चौथा जो है सूचकांक जारी किया है इप्साई ने,
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, जिसने स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने जो है चौथा राज्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है वो जारी किया, और इस सूचकांक में तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसको मिला? तमिलनाडु को। देखते हैं आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देने हैं नीचे कमेंट के द्वारा। टोटल आपके लिए दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनको आंसर आपको देने हैं। ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन होते हैं ताकि रिविजन आपको हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून को किस देश को जो है 12 हाई स्पीड जो तटरक्षक नौकाएं थी वो सौंपी है? तो किस देश को जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है? चीन, वियतनाम, रूस या नेपाल को? तो किस देश को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून को 12 हाई स्पीड तटरक्षक जो नौकाएं होती है वो दी है? चीन, वियतनाम, रूस या नेपाल को? फटाफट आंसर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 2, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो किस देश को देने की ये जो योजना बनाई है? नेपाल, पाकिस्तान, रूस या श्रीलंका? संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की जो मानवीय सहायता होती है वो देने की घोषणा की है और योजना बनाई है? तो नेपाल को, पाकिस्तान को या रूस को या श्रीलंका को? फटाफट दोनों क्वेश्चनों के आंसर दे दें। सही आंसर करने वाले विजेताओं का नाम देंगे अगले वीडियो में। किसने हाल ही में संयुक्त रूप से तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो किसने किया? वो क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने। सही आंसर क्या होगा? डी, जो फिक्की है उसने जो है इसका सम्मेलन का आयोजन किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने जो है कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर 10 जून को है तकनीकी वस्त्र मानकों पर जो ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन किया। और ये अब बैंक में मोबाइल बैंकिंग ऐप के इंडोसिस के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी है भारत की जो है सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर को भारत की सब कंपनी है वो बनी है तो है अंदानी विल्मर। सही आंसर क्या होगा? डी, अंदानी जो विल्मर है वो सबसे बड़ी कंपनी बनी है एफएमसीजी के कंपनी बनी है ये, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ा है। अंदानी विल्मर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व में 54,214 करोड़ रुपये जो है दर्ज किया है। देखते हैं मोटिवेशन लाइन कि इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी क्या उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से निकल रही है, तो इंतज़ार मत करो, जो करना है वो करो, और जो ये ज़िंदगी है क्या वो आपकी सोच से भी तेज़ गति से जो है निकल रही है। देते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन दोनों और सही आंसर करने वाले विजेता होना। पहला क्वेश्चन था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो है 50। सही आंसर। राज्य सरकार ने हाल ही में सही आंसर ए और केवल सही एक आंसर दिया जिनमें नाम है चंद्र जी का। चंद्र जी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन है आपको दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर प्रेस कर दें, और जो साथ में बेल आइकन का आए वो भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो आपको हमारी पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री।
कोई चार्ज नहीं होगा। और इस वीडियो की भी जो पीडीएफ फाइल चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।